नमस्कार, मी गोपाळ कुलकर्णी माध्यम वृत्तमध्ये आपलं स्वागत करतो। आज एक आगळा वेगळा व्हिडिओ घेऊन आम्ही तुमच्या समोर आलेलो आहोत। लग्न सराई म्हटलं की मेहंदी याला अनन्यसाधारण महत्व असते। मेहंदी कशा पद्धतीने काढली जाते आणि ती एक प्रकारची कला कशी आहे या संदर्भामध्ये आज आपण दोन तरुणांशी बातचीत करणार आहोत। एका तरुणाचे आहे नाव रवी राजपूत आणि दुसरा तरुण आहे अनिल। चला तर आपण आता या दोन तरुणांशी बातचीत करूया। धन्यवाद। मेरा शुभ नाम सर रवि राजपूत है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ सर। जी रवि जी, आप पुणे में कितने साल से आए? पुणे में सर मुझे 5-6 साल हो गए पुणे में। जी, ये आपने जो मेहंदी का निकालने वाली कला जो ये पैदाइश की है, तो आपको पहले से इंटरेस्ट था क्या, रोजी रोटी के लिए आपने ये किया? नहीं सर, मुझे पहले से ही आर्ट में इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने ये मेहंदी सीखी। फिर मैं 1-2 साल से सीखा, फिर काम चालू किया फिर मैंने। जी जी, अभी शादी में या कौन से फेस्टिवल में तुम मेहंदी निकालते हो? शादियों में सर ब्राइडल नॉर्मल सर लोगों को ही निकालते हैं हम लोग। तो मेहंदी जब निकालते हैं तुम, तो उससे आपका रोजी रोटी का ये हो जाता है इससे? हाँ सर, अच्छा खासी इनकम हो जाता है। इनकम अच्छी हो जाती है सर इसमें और बढ़िया अच्छा काम है मतलब ये। जी, तो अभी जब त्योहार रहता है, शादी रहता है या ये रहता है ना, तब आप मेहंदी निकालते हैं बराबर है? जी सर, फेस्टिवल हो गया, शादी हो गई, वेडिंग वगैरह, इनमें सर लगाते हैं। तो इसके बाद आप क्या करते हैं, दूसरा बिजनेस कुछ क्या पूरा? ये प्रॉपर यही बिजनेस है हमारा मेहंदी का। जी पूरा, तो 12 महीने आपको काम मिलता है क्या ऐसा थोड़ा? हाँ, ये सीजन रहता है मेन, तो जैसे शादियों का सीजन होता है, फिर फेस्टिवल वगैरह रहता है, ऐसे होता है सर, ये रेगुलर ही काम नहीं होता ये भी। और जब कोरोना था ना 2 साल, तब क्या आपके बिजनेस पर थोड़ा काफी फर्क पड़ा सर बिजनेस पे? 2 साल से हम लोग कहीं गए नहीं, सिर्फ घर पे ही थे। मेहंदी का काम ही नहीं किया 2 साल तक हम लोगों ने। अभी ये कोरोना खुलने के बाद फिर स्टार्ट किया था हम लोगों ने। किस किस प्रकार की मेहंदी आप निकालते हो? सभी प्रकार की सर, अरेबिक, इंडियन, ब्राइडल, सब डिजाइन का। जी ठीक है, आप कैसे निकालती हो मेहंदी? तो प्रैक्टिकल आप हम प्रेक्षक को दिखाने वाले है। मित्रांनो, चला आता आपण पाहूया रवी राजपूत यांनी काढलेली मेहंदी। Thank you.
जाओ। मेरा नाम सर अनिल नायक है और मैं यूपी आगरा से रहने वाला हूँ। जी जी, अब पुणे में कितना दिन हो गया आके आपको? सर पुणे में मुझे 5-6 साल हो गया पुणे में। जी जी, अभी किस काम के लिए आए पुणे में आप? हम लोग मेहंदी के लिए आए हुए हैं स्पेशली। अच्छा, हम मेहंदी का ही काम करते हैं पुणे में, ऑल ओवर पुणे में। जी, अभी मेहंदी निकालने का जो अपने कला संपादन की है जी, उसके लिए कुछ कोर्सेस किए क्या, किसी के देख के सिखाया? नहीं सर, हमने कोर्स किया है, 1 ईयर्स का कोर्स किया है हम लोगों ने दिल्ली से जी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे घर पे प्रैक्टिस करते थे, धीरे धीरे हम लोगों ने फिर जॉब किया, अभी खुद का शॉप डाल के हम लोग बैठे हुए हैं हिंजेवड़ी में। हिंजेवड़ी में करते जी सर। जी, अभी सिर्फ पुणे में आप मेहंदी का काम करते हैं क्या, बाहर कहीं जाते हैं? नहीं, वैसे तो अभी हमारा पुणे में है, लेकिन बाहर के कोई ऑर्डर्स वगैरह रहते हैं तो हम लोग बाहर भी जाते हैं। जी जी, ओके। कौन से प्रकार के मेहंदी का आपको आता है? ऑल मेहंदी लगाते हैं, जैसे अरेबिक, इंडियन, बंगाल स्टाइल, मारवाड़ी, राजस्थानी, गुजराती, सभी टाइप की मेहंदी हम लोग लगाते हैं। जी, आप मेहंदी खुद बनाते हो? जी, हम लोग खुद ही मेहंदी बनाते हैं, हमारा नेचुरल पाउडर रहता है जी, हम खुद ही तैयार करते हैं और ये विदाउट केमिकल रहता है, केमिकल बिल्कुल फ्री रहता है, इसमें कोई केमिकल का कोई शिकायत किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। जी जी, अभी काफी सारे लोग मेहंदी निकालते होंगे? हाँ, बहुत सारे लोग निकालते हैं सर, ऐसे पुणे में बहुत सारे हैं। लेकिन आपकी स्पेशलिटी क्या है? हम लोग ऐसा रहता है कि जैसे अभी मान के चलो अभी आप ब्राइडल लगा रहे हो, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे ब्राइडल लगाने के लिए आए, तो उससे आपसे काम होता है सर ब्राइडल का, क्या ना कोई लोग ऐसे होते हैं कि काम सीखने से डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमने क्या किया है, काम सीखने के बाद में 5 साल पहले और हमने ट्रेनिंग किया, उसके बाद में हम लोग अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे क्या परफेक्ट काम करना अच्छा रहता है कस्टमर के लिए। मेहंदीच्या संदर्भातला हा छोटेखानी व्हिडिओ होता, असेच वेगवेगळे व्हिडिओ घेऊन आम्ही तुमच्यासमोर येणार आहोत। आपण माध्यम वृत्त सेवेचा हा छोटेखानी व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर आपण माध्यम वृत्त या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तेजस कॅमेरामन तेजस कालदातेसह मी गोपाळ कुलकर्णी, माध्यम वृत्त सेवा, धन्यवाद।